हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। खुशी पंजाबन और विवेक चौधरी सोशल मीडिया की जान हुआ करते थे, पर ये अप्रैल से कहां गायब है किसी को कुछ नहीं पता। इनके पेजेस पर कोई अपडेट सामने नहीं आ रही है, फैंस परेशान हो रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आई है कि ये दोनों तलाक ले रहे हैं। दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि अब ये दोनों साथ में नहीं रहना चाहते। पर गाइज, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इन दोनों के बीच में जो दूरियों की खबरें आ रही हैं वो आखिर क्यों आ रही है, और आखिर किसे इन लड़ाइयों का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, किसकी वजह से तलाक होने जा रहा है। लेकिन इन तमाम जानकारियों को देने से पहले आपको यहाँ पर ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि अभी इस कपल ने अपने तलाक की कोई भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है, लेकिन कहा जा रहा है कि खुशी पंजाबन अब विवेक चौधरी के साथ उसके घर पर नहीं रहती है। खुशी अब अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके जा चुकी है। लेकिन चलिए तमाम जानकारी आपको देते हैं और ये भी बताते हैं आखिरकार वजह क्या है इन दोनों के बीच में आई दूरियों की। दरअसल सोर्सेस की माने तो विवेक और खुशी में से किसी का चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कुछ लोगों का कहना है कि विवेक की जिंदगी में कोई आ गया है जिसकी वजह से वो खुशी से दूर होने लगे हैं और खुशी को तलाक दे रहे हैं। वही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि खुशी पंजाबन को रंगे हाथों विवेक चौधरी ने किसी के साथ पकड़ा और जिसकी वजह से अब विवेक ने खुशी से दूर होने का फैसला किया है। और रिपोर्ट्स की माने तो जो विवेक है वो अपने बेटे राजा को अपने पास रखना चाहता है और खुशी अब वो घर छोड़कर जा चुकी है, उसे बेटे से भी नहीं मिलने दिया जा रहा। बहरहाल सच्चाई क्या है जल्द साफ हो जाएगी, लेकिन फिलहाल फैंस को इंतजार है कि आखिरकार खुशी पंजाबन और राजा चौधरी कहाँ गायब है। इस वीडियो में इतना ही।